In this video, we will discuss about the thermosphere. It is the third layer of the atmosphere. The thermosphere lies above the mesosphere. Mesosphere के just ऊपर thermosphere है. Okay, इसकी height कितनी है? 400 kilometer. This layer is further divided into two layers. Two layers में divide है आपकी ये वाली. अभी जो नीचे हमने पढ़ी थी thermosphere, stratosphere, mesosphere वो divided नहीं थी, but this layer is divided into two parts. Ionosphere and the exosphere. Ionosphere is the lower layer of the thermosphere. जो lower layer है जैसे कि आपका ये layer हो गई, ठीक है. Troposphere थी, stratosphere, mesosphere. Troposphere, stratosphere, mesosphere. अब हम पढ़ रहे हैं क्या? Thermosphere. तो इसकी जो lower layer है मतलब कि जो नीचे वाला part है वो क्या है? Ionosphere. और जो ऊपर वाला part है वो क्या है? Exosphere. Okay? As the same एज अ नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, दिस लेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज्ड आयन्स दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड दस फैसिलिटीज वायरलेस कम्युनिकेशन. जो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन, हम आपस में बातें करते हैं फ़ोन पे, कहते हैं सैटेलाइट्स वगैरह जो होती हैं, वो किस में मिलती हैं हमको? इसी लेयर्स में मिलती हैं आपको देखने के लिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट द एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसकी जो हाइट है वो अर्थ से कितनी है? 1600 किलोमीटर. द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो एंड इट इज़ इन अ रेयर फिल्ड फॉर्म. बहुत ही एयर की जो वो है यहाँ पर डेंसिटी है वो बहुत लो होती है. वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर. इस तरह की जो गैसें हैं आपकी, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये इस लेयर में मिलेंगी आपको. दिस लेयर बीइंग द अपर मोस्ट एक्सट्रीमली हॉट. बहुत ही हॉट होती है. कोल्डेस्ट कौन सी थी आपकी? कोल्डेस्ट लेयर कौन सी थी? मेसोस्फेयर. ओके, लेकिन ये वाली जो है आपकी हॉट होती है. दिस लेयर बीइंग द अपर मोस्ट इज द एक्सट्रीमली हॉट. द टेम्परेचर हेयर कैन बी एज हाई 5000 डिग्री सेल्सियस. आप इमेजिन कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका पानी जो है वो बॉयल होने लगता है, ठीक है. तो वहाँ पर कितनी गर्मी होगी, वहाँ पर क्या होगा, मतलब 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर. ग्रेजुअली दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस. नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमोसफेयर. ये आपको खुद से रीड करनी है. ओके, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना. ओके, आपको ये येलो वाला पार्ट भी पढ़ना है. इसमें से जो येलो बॉक्स में दिए हैं, डिड यू नो, बियॉन्ड बॉर्डर, ये सब भी आपको रीड करने हैं अच्छे से. ओके बेटा, थैंक यू.